Hi, this is Neeraj Garg and you are watching class 10th chapter 3 pair of linear equation in two variables exercise 3.4 question number 1 fourth part. Solve the following pair of linear equation by elimination method. Hame do equation given hai, x upon 2 plus twice y upon 3 is equal to minus 1. Ye hamari first equation hai aur second equation hai hamari x minus y by 3 is equal to 3. ये हमारी second equation है और हमें elimination method से solve करना है इसको, ठीक है? So तो अब इनको हमें थोड़ा सा simplify कर लेते हैं equations को, right? चलो पहले second को ही कर लेते हैं, इसका LCM ले लेते हैं, ये आ गया 3, ये आ गया 3x minus y is equal to 3, then 3x minus y is equal to 9. ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी. अब इस फर्स्ट को भी कर लेते हैं सॉल्व. तो इसमें जब हम एलसीएम लेंगे इसका, इसे पहले लिख लेते हैं, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा. इसमें हम एलसीएम लेते हैं तो ये होगा 6, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 1. और इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3x plus 4y is equal to minus के 6. ये हमारी fourth equation आ गई, ठीक है? इस third equation को भी यहीं लिख लेते हैं, 3x minus y is equal to 9. ये हमारी third equation थी. Already दोनों के coefficient same है, तो हमने इसमें क्या करना है? Subtract करना है, ठीक है? Subtract करने पर क्या होता है? Sign change हो जाते हैं, तो ये minus, ये plus और ये minus, ये cancel हो गया. 4y प्लस के और 1by जो है ये भी प्लस के हैं, तो ये आ गए प्लस के 5y, दैट इज इक्वल टू माइनस के 15, राइट? देन y इज इक्वल टू आ गया हमारा माइनस 15 अपॉन 5 और ये आ गया y इज इक्वल टू माइनस के 3, ठीक है? और इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में हम फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किसी में भी, फिफ्थ में, मतलब कितनी सारी इक्वेशन है तुम्हारे पास, किसी में भी पुट कर सकते हो, ठीक है? So putting in 3, तो ये था हमारा 3x minus y is equal to 9, तो y की जगह पे हम डाल देंगे minus 3, that is equal to 9, then आ जाएगा हमारे पास 3x और minus minus plus के 3 is equal to 9, then 3x is equal to 9 minus 3 और 3x is equal to 6, so x is equal to आ गया हमारे पास 2. राइट, इस तरीके से हमारे आंसर आ गए. होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा. वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. अगर आपको दूसरे चैप्टर्स की वीडियोस देखनी है, एमसीक्यूज देखने हैं मैथ्स के, साइंस के, सोशल साइंस के, तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. ऑल द बेस्ट.